मैं जा रहा हूँ अभी रेडियो पाकिस्तान। तो स्पोक्स पे जो है वो हम ट्यूबलेस कराएंगे। भाई फाइनली जो है वो हम पहुँच गए यहाँ पर टायर अपने ट्यूबलेस कराने के लिए। प्रेशर जो है डाल के चेक कर रहे हैं, इनका तो हो गया। दूसरी साइड से भी जो है काट दीजिए, सब काट दें। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं भाई आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो भाई आज का जो सीन है ना, आज मैं जा रहा हूँ अभी रेडियो पाकिस्तान। वहाँ से जो है ना वकास भाई भी मुझे वहाँ पे मिल जाएंगे। अभी ऐसी बात हो रही थी मेरी, तो एकदम अर्जेंट वाला जो है ना वो सीन बना। तो सीन ये है कि टायर जो है ना ये स्पोक्स पे जो है, रिम तो है नहीं, तो स्पोक्स पे जो है वो हम ट्यूबलेस कराएंगे इसको। तो वो सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि स्पोक्स पे जो है वो टायर ट्यूबलेस कैसे होते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो भाई देख लीजिएगा, और अगर देखा हुआ है तो कोई मसला नहीं है। तो भाई आज का जो सीन है वो यही सारा सीन है, तो ट्यूबलेस कराने वाला। और फ़िलहाल तो कोई सीन नहीं है, वहाँ जाके देखेंगे क्या सीन है। तो अगर कोई सीन बना तो सीन बना लेंगे, वरना फिर टायर ट्यूबलेस करा के और वापसी घर की तरफ आ जाएंगे। तो भाई इतनी सी कहानी है, इतना सा फसाना है, और हमने जो है वो टायर ट्यूबलेस कराने जाना है। हवा हवा क्या बात है, शेर उनसे शेर निकलने भाई, शेर मतलब वो वाले बब्बर शेर नहीं निकलने, मतलब शेर निकलने। तो हो जाता है ये, तो ऐसा ही सीन है। वहाँ पहुँचते हैं और आपको सारा प्रोसेस दिखाएंगे फिर कि किस तरीके से जो है वो RX3 का स्पोक्स टायर जो है वो ट्यूबलेस किया जाता है। तो सारी तफसील आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि क्या ख़र्चा आता है, कितने पैसे लगते हैं इसके अंदर, क्या क्या जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी होती हैं इस काम के लिए, कि क्या क्या हमें चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भाई आपको दिखाएंगे, जो हमसे हो सकता है हम बताएँगे, ताकि कराची में जो लोग RX3 लेना चाह रहे हैं उनको सबको पता चल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो इंटरेस्टेड हैं RX3 के लिए। तो ये अच्छी बात है कि मैंने बाइक ली है तो भाई लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं यार, मतलब RX3 में। क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि यार RX3 के बारे में बताया। और एक भाई ने तो मेरे बाइक लेने के तकरीबन 2-3 दिन बाद ही जो है वो RX3 परचेज़ कर ली है। तो यार ये अच्छी बात है, कराची में RX3 होंगी, एक साथ जाएंगे, मज़ा आएगा। तो अच्छा सीन है, चलते हैं फिर। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करें आप कराम, ठीक ठाक मज़े में। क्या कौन है? तो भाई फाइनली जो है वो हम पहुंच गए यहाँ पर टायर अपने ट्यूबलेस कराने के लिए। और ये दिलदार टायर फिटिंग के नाम से जो है ना शॉप है, और अपना प्रोसेस जो है ना स्टार्ट हो गया है। तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। भाई ये सारा प्रोसेस हो गया, अब सारा प्रोसेस हमारा जो है चल रहा है। इमरान भाई ये सिर्फ RX3 के टायरों पे होता है या सारी बाइकों पे जो स्पोक्स है वो सब पे हो जाएगा? वो सारे जो है जितनी भी स्पोक्स बाइक है, टायर होना चाहिए। मतलब टायर, अगर नया टायर लगा हुआ है किसी का स्पोक्स पे है तो आप जो है उसको ट्यूबलेस कर दोगे उसी स्पोक्स पे? ज़रूरी नहीं है कि आप रिम वाले टायर पे ही करो, ज़रूरी नहीं है। आप अगर भाई किसी को कराना हो, कोई भी बाइक हो, सही 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 टायर ट्यूबलेस होना चाहिए। टायर ट्यूबलेस हो मगर आप अगर रिम के बजाय स्पोक्स पे भी कराना चाह रहे हो, रिम का खर्चा नहीं करना चाह रहे आप, तो आप जो है वो ट्यूबलेस करा सकते हो। तो जो भाई भी स्पोक्स वाली 150 रिम जिनके पास मौजूद है ना, तो अगर वो चाहें तो टायर जब भी चेंज कराए तो वो रिम जो है ना वो ट्यूबलेस टायर ले लें और उसी स्पोक्स पे जो है ना ट्यूबलेस करा सकते हैं वो। तो इमरान भाई जो है ना वो आराम से सुकून से सारा प्रोसेस जो है ना वो कर देंगे। तो आपको रिम पे जो है ना वो भाई ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें लिखा हुआ है ट्यूबलेस, इसमें ट्यूबलेस लिखा हुआ है, टायर होगा ट्यूबलेस, उस पर लिखा हुआ ना ट्यूब टायर लिखा हुआ, सही सही लिखा हुआ है सही। ये ट्यूबलेस जेन्युइन ट्यूबलेस टायर है सही, इस पर आराम से ट्यूबलेस हो जाएगा। ठीक है, तो भाई RX3 के टायर जो है वो तो ट्यूबलेस आया हुआ है। अगर जो भाई जो SC नहीं है इनके पास और स्पोक्स वाली बाइक है, अगर वो जब भी टायर चेंज करें तो ट्यूबलेस ले लें और उस पर जो है वो इमरान भाई ट्यूबलेस कर देंगे। ये इस पर हम जो है एक्स्ट्रा ट्यूब चढ़ा रहे हैं ना, ये कितने ये सही 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 है। ये ट्यूब काट के जो है ना एक्स्ट्रा हमने इस पर चढ़ा दिए और जो बाकी एक्स्ट्रा बाहर निकली वो रिम से वो काट देंगे सारे। अच्छा, फिर ट्यूब हमने अभी ये वाली चढ़ाई है नीचे। ये कौन सी ट्यूब है, किस चीज़ की ट्यूब है? बाइक की ट्यूब है जिसको अपने काट के जो है ना चढ़ा दिया और उसके ऊपर से जो है ना ये टायर लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा ट्यूब जो है ना एजेस बाहर आ रहे हैं इसके, ये बाद में जब टायर चढ़ जाएगा पूरा बैठ जाएगा और हवा भरने के बाद काटोगे ना, चेक करने के बाद जब इसके अंदर हवा का प्रेशर चल जाएगा उसके बाद जो है जितनी एक्स्ट्रा ट्यूब आ रही होगी ना ये सारी एक्स्ट्रा ट्यूब जो है ये फालतू काट देंगे हम और टायर इसका जो है ट्यूबलेस हो जाएगा। अच्छा, लिक्विड जो है वो अभी नहीं डालेंगे, पहले इसको जो है चेक करेंगे एक आध दिन, एक दो दिन चेक करने के बाद कि ओके होता है तो फिर इसके अंदर जो है ना वो लिक्विड डाल देंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। RX3 के टायर को जो है वो स्पोक्स वाले टायर को ट्यूबलेस करने का। और वो दे वाल प्रेशर भाई इसमें डाल दिया, उसको चेक करते हैं ये क्या सेटिंग है। लिक्विड जो है ना अभी नहीं डालेंगे, लिक्विड जो है मैं 2-3 दिन के बाद ही इसमें डलवाऊंगा। उन्होंने बोला चेक कर ले रहे हैं इमरान भाई ने पहले, वैसे तो कोई मसला नहीं आता मगर लिक्विड जो है वो फिर ज़ाया हो जाता है ना, तो पहले चेक कर लेंगे 1-2 दिन चला के फिर उसके बाद लिक्विड आके इस पर डलवा देंगे। प्रेशर जो है डाल के चेक कर रहे हैं अभी कहीं से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं मिल रही है। ओके भाई, ओके हो गया भाई बिल्कुल ये, और सारी चीज़ें जो है ना सेट हैं अभी बिल्कुल। अच्छा, ये एक्स्ट्रा एजेस इसके आ रहे हैं ना वो हम बाद में जो है ना अभी काट देंगे इसको, फिर उसके बाद ये पता ही नहीं चलना कुछ भी क्या सीन है। नाइफ से जो है ना अभी सारे फालतू एजेस काट के निकाल दिए हमने। और इसी तरीके से जो है ना वो दूसरी साइड के कर देंगे। इसका तो हो गया, दूसरी साइड से भी जो है ना फालतू एजेस सब काट देंगे और फिर ये पता भी नहीं लगना ये क्या काम हुआ है अंदर इसके, और ये ट्यूबलेस भी हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है छोटा सा, तो जिस भाई ने भी कराना है वो इमरान भाई के पास आ जाए और करा सकता है। मगर टाइमिंग जो है ना वो सिर्फ संडे संडे जो है ना वो आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि संडे को जो है ना वो मार्केट बंद होती है, रश भी कम होता है, तो सुकून से काम हो जाएगा ये। अदरवाइज़ जो है ना वो संडे के अलावा इमरान भाई बोल रहे हैं कि टाइम का थोड़ा सा मसला होता है, तो संडे को जो है ना वो बेहतर है आप लोग अगर संडे को आते हैं तो। भाई प्रेशर इसका जो है ना पिछले टायर का वो 40 रखना है और अगले का 30 रखना है। वैसे तो 36 का जो है ना प्रेशर है पिछला, मगर हम 40 रख रहे हैं इसको, 40 का प्रेशर जो है वो बहुत है। पिछला हमने 40 का प्रेशर रख दिया और ये टायर भी बिल्कुल ओके है। अब इसको फिट कराते हैं और यही प्रोसेस जो है ना वो आगे का होगा सारा। तो भाई टायर का एक प्रोसेस तो हो गया पिछले टायर का, बाकी जब आप दिलपसंद के सामने वाले एरिया से अंदर आएंगे ना जो टायर मार्केट है, वहाँ से आगे दिलदार टायर फिटिंग के नाम से जो है ना इमरान भाई की शॉप है, और मैं जो है वो नंबर भी जो है डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। और टाइमिंग वगैरह अगर आप संडे के अलावा आना चाह रहे हैं तो संडे के अलावा का टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि संडे के अलावा जो है वो टाइम मुश्किल हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा जो है वो मेरा उर्दू बाज़ार है और यहाँ पर ये ना ये सेंटर में शॉप है दिलदार टायर फिटिंग की। तो भाई ये सीन था सारा आज का, संडे था, टाइम निकालना पड़ा, टाइम था नहीं मगर मजबूरी थी, कराना था ये काम क्योंकि आगे भी ट्रिप रखा हुआ है। तो ये सारा सीन था, प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया। तो भाई जिसने भी कराना है वो यहाँ से इजीली करा सकता है। बाकी नंबर डिस्क्रिप्शन से जो है ना वो ले लेना, डिस्क्रिप्शन पर आपका वो जो है ना नंबर मिल जाएगा इमरान भाई का, तो वहाँ से आप नंबर लेके इजीली जो है वो उनसे रब्ता कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं और सारा काम करा लीजिएगा।